नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारी सीजन में छठ पूजा और दिवाली के लिए 12,500 कोच और 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने की जानकारी दी है। 2024-25 में 5,975 ट्रेनें चलाने की योजना है। वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से हो रहा है, जिससे यात्रा सस्ती होगी। नाबार्ड ने ग्रुप सी ऑफिस अटेंडेंट के 108 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आवेदन 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक होंगे। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच में हो। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹450 और SC/ST वर्ग के लिए ₹50 लिए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेजों में आधार, निवास प्रमाण पत्र और मार्कशीट शामिल है। कर्नाटक सरकार ने मूडा स्कैम की जांच को लेकर CBI की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ईडी की जांच भी मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी के आधार पर संभव है। 27 सितंबर 1970 को स्थापित UNWTO के तहत विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम पर्यटन और शांति है। भारत ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट जैसे 15 सर्किट विकसित किए हैं। 2023 में 1.92 करोड़ विदेशी पर्यटक आए, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। मारुति सुजुकी डिजायर 2024 को नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। नई डिजायर में LED हेडलाइट्स, 9 इंच टच स्क्रीन और सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स शामिल होंगे। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन और CNG विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है, जो होंडा MS और टाटा टिगोर को टक्कर देगा। गुरुवार को 24 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया। राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य जबकि राम गोपाल यादव स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के 11 समितियों की अध्यक्षता मिली है, जबकि कांग्रेस ने 4 समितियों की कमान संभाली है। शशि थरूर को विदेशी मामलों की समिति की अध्यक्षता दी गई है। ये समितियां संसद के कार्यों की निगरानी करेंगी। केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड डेटा लीक करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने सुरक्षा खामियों के चलते ये कार्रवाई की है। UIDAI ने भी संबंधित पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मंत्रालय ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की पुष्टि की है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के प्रयासों के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा दोहराया है। ये स्थिति भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा एक चोटी के नाम छठवें दलाई लामा के सम्मान में रखने के बाद उत्पन्न हुई है। भारत ने इन दावों को खारिज किया है, जबकि दोनों देशों ने सैनिकों की वापसी पर आम सहमति बनाई है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में CPL में चोट के कारण उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया। ब्रावो ने 21 साल के करियर में T20 क्रिकेट में बेंचमार्क स्थापित किया और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भावनात्मक संदेश भी साझा किया है। सिगेरू इसीवा ने जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे वो प्रधानमंत्री फूमियो किसिदा का स्थान लेंगे। उन्होंने साने ताकाइची को दूसरे चरण के मतदान में हराया है। इसीवा को घरेलू जीवन यापन लागत और पूर्वी एशिया के सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके तहत रात में सड़क किनारे पार्किंग पर शुल्क देना होगा। बिना परमिट पार्किंग करने पर 3 गुना शुल्क लिया जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से शुल्क निर्धारित होगा। नई नीति से नगर निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है और ठेकेदार मल्टी लेवल पार्किंग शुरू कर सकेंगे। बिहार पुलिस ने दुर्गा पूजा समिति आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी छुट्टियों को 5 से 16 अक्टूबर तक रद्द कर दिया है। DGP ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक सौहार्द और पुलिस की तैयारियों पर चर्चा की है। पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। UK के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने UN जनरल असेंबली में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी यही रुख अपनाया है। स्टार्मर ने UNSC में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि मैक्रों ने फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। अमेरिका ने भी इस दिशा में समर्थन किया है।
मुजफ्फरनगर के अतुल कुमार को IIT धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सीट मिली है, लेकिन फीस समय पर जमा न करने में से प्रवेश रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मदद का भरोसा दिलाया है। अतुल एक गरीब दलित परिवार से हैं और उन्होंने फीस के लिए गांव वालों से भी मदद मांगी थी। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। केरल में 26 वर्षीय युवक में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है, जो UAE से लौटे थे। ये राज्य में इस वायरस का दूसरा मामला है। मरीज का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ाई है और आइसोलेशन सुविधाएं स्थापित की है। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। जम्मू कश्मीर के चंद प्रकाश ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में 1 करोड़ रुपए जीतकर पहले करोड़पति का खिताब हासिल कर लिया है। हालांकि 7 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब ना जानते हुए उन्होंने गेम छोड़ दिया। सवाल था 1587 में नॉर्थ अमेरिका के इंग्लिश पेरेंट्स के घर जन्मा पहला बच्चा कौन था। सही जवाब वर्जीनिया डेयर था। राजस्थान में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक लीनियर एक्सकलेटर और सिटी सिम्युलेटर मशीनें स्थापित की गई हैं। 54 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीनें ब्रेस्ट, लंग, हेड और नेक कैंसर का उपचार करेंगी। इनसे ट्यूमर का पता लगाने और इलाज में सटीकता बढ़ेगी, जिससे मरीजों को विश्व स्तरीय निःशुल्क उपचार मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DU चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गए हैं। हालांकि सुबह 8:30 बजे की बजाय देरी से मतदान शुरू हुआ था। छात्रों में उत्साह है, लेकिन मतदान की रफ्तार धीमी है। NSUI उम्मीदवार लोकेश चौधरी पर हंगामा करने का आरोप लगा है, जिससे चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने T20 विश्व कप में दबाव के बावजूद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले अनुभवों से प्रेरित होकर टीम सकारात्मक है। दीप्ति ने अपने हालिया खेल प्रदर्शन का जिक्र करते हुए विश्व कप जीतने की उम्मीद भी व्यक्त की है। हर मैच को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने आत्मविश्वास से खेलने की बात कही है। फेस्टिव सीजन में टॉप ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट की 3 महीने के फ्री OTT सब्सक्रिप्शन का लाभ मिल रहा है। 40 इंच LED टीवी की कीमत 15,499 रुपए से शुरू होती है। 70 इंच QLED टीवी 77,999 रुपए में उपलब्ध है। Amazon और Flipkart पर नो कॉस्ट EMI और अन्य ऑफर्स भी मौजूद हैं। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH टीम में इसे भुवनेश्वर कुमार और ट्रेविस हेड को रिलीज होने की संभावना है। टीम केवल 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। संभावित रिलीज में एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी और पेंट कमिट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। SRH ने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई है। पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन खड़े होकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये किडनी, गठिया और फेफड़ों की समस्या बढ़ा सकता है, साथ ही पाचन को भी प्रभावित करता है। डॉक्टरों की सलाह है कि हमेशा बैठकर और छोटे छोटे घूंट में पानी पिए, जिससे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही बना रहे। IPL 2025 की तैयारियों के तहत गुजरात टाइटंस ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष मेहरा को मुख्य कोच नियुक्त किया है, जबकि विक्रम सोलंकी सहायक कोच होंगे। पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद टीम नई रणनीति के साथ वापस करने के लिए तैयार है। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली थी। गूगल, जो कि सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, आज 25 साल का हो गया है। इसकी शुरुआत 1995 में बैक रब नाम के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। 1997 में google.com रजिस्टर हुआ और 1998 में गूगल इंक का पहला ऑफिस खोला गया। गूगल के डूडल गेम्स जैसे क्रॉसवर्ड पजल, स्पेसमैन और डूडल बेसबॉल यूजर्स के बीच लोकप्रिय हैं। आप इन्हें फ्री में खेल सकते हैं। केंद्र सरकार ने आधार और पैन जैसी संवेदनशील जानकारी दिखाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। UIDAI ने आधार एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। CIRT IN ने इन वेबसाइट्स में सुरक्षा कमियों की पहचान की है। IT एक्ट 2000 के तहत संवेदनशील डेटा के गैर प्रकाशन के प्रावधान है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट एक्ट 2023 के नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सप्ताह के अंत में घरेलू बाजार में सोने के भाव में 0.33% की गिरावट के साथ 75,141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार हो रहा है। चांदी की कीमत भी 0.59% गिरकर 92,115 रुपये हो गई है। हाल ही में तेजी के बाद उच्च स्तर के दबाव से ये करेक्शन हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भाव मौजूद रहेंगे।
प्रेशर कुकर का उपयोग आम है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों को इसमें नहीं बनाना चाहिए। मछली, साग, पिस्ता, सब्जियां, आलू और चावल जैसे फूड्स कुकर में बनाने से उसके पोषक तत्व, स्वाद और टेक्सचर प्रभावित हो सकते हैं। इसका सेवन स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए पैन या कड़ाही में पकाना बेहतर है। मध्य प्रदेश आयुष निदेशालय ने एमपी आयुष यूजी 2024 के पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। चॉइस फिलिंग 27 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। सीट आवंटन 4 अक्टूबर को होगा और चयनित उम्मीदवारों को 5 से 8 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कई प्रमुख आयुर्वेद कॉलेज काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। IIM कलकत्ता ने कैट 2024 के लिए आवेदन सुधार विंडो 27 सितंबर से खोले हैं। उम्मीदवार 30 सितंबर तक अपने आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ईमेल, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में बदलाव संभव नहीं है। कैट परीक्षा 24 नवंबर को 3 शिफ्ट में होगी। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2025 की डेट शीट दिसंबर 2024 में जारी होने की संभावना है, जिसमें परीक्षा की तिथियां, विषय नाम, कोड और समय शामिल होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होंगे और मुख्य परीक्षा फरवरी से अप्रैल के बीच होंगे। छात्रों को तैयारी के लिए कमजोर विषयों पर ध्यान देने और सैंपल पेपर हल करने की सलाह दी गई है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार पटेल, मोहम्मद साकिर हुसैन, प्रमीला कुमारी नौसाद, रजा हितेश कुमार, सपना कुमारी, धनंजय कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद इरफान, नवी शंकर, मोहम्मद जिब्रैल, राकेश मिश्रा, जुबैर खान, उदय कुमार सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।